गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाले व्लॉग में देखा, हम लोग अभी दिल्ली में हैं और कल हमारा था मीटिंग IRCTC ऑफिशियल्स के साथ। बहुत कुछ के बारे में डिस्कस हुआ जो कि अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बहुत कुछ का प्लानिंग है, बहुत कुछ होने वाला है, वो आने वाले टाइम में व्लॉग के थ्रू आपको पता चल जाएगा। बाकी IRCTC ऑफिशियल्स ने इन्वाइट किया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग का ये सपोर्ट और प्यार के वजह से ही हो पाया है, बाकी तो अपना काम है, मेहनत करने का करते रहेंगे। वैसे आपको टाइटल एंड थंबनेल से तो आइडिया लग गया होगा कि ये जो मेरा वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो हाँ, अभी हम लोग जा रहे यहाँ से चेन्नई। सबसे पहले जो हमारा ट्रेन है ना, ये न्यू दिल्ली स्टेशन से नहीं है, हमें जाना होगा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, वहां से हमारा ट्रेन है। तो देखेंगे कितना टाइम लगता है, 6-7 किलोमीटर ही दूर होगा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, होटल चेकआउट करना है इसलिए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। और मैंने अपना टिकट बुक कराया है फर्स्ट AC में और अभी तक मुझे पता नहीं है मुझे केबिन मिला है या फिर कूप। भाई कूप मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। फिलहाल चलो, जैसा होगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बने रहो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं स्टेशन जाके। चलो जी, हम लोग अभी होटल चेकआउट कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं यहाँ से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। वैसे ट्रेन हमारा लगभग 3:30 बजे के आसपास है, बट हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि होटल चेकआउट कर दिया था, अब क्या करते भी। हालांकि ऑप्शन था रिसेप्शन में बैठने का, लेकिन अभी जो होटल फुल चल रहा है ना, इनका रिसेप्शन भी पूरा फुल, तो ये दिक्कत हो गया, इसलिए अभी हम लोग निकल गए। हम लोग चलो चले जाते हैं, थोड़ा निजामुद्दीन स्टेशन भी आप लोगों को दिखा देंगे। और क्या करें, बिल करने में भी आधा घंटा लग गया। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, और इस वाले स्टेशन से मेरा फर्स्ट टाइम है। कभी नहीं हो यहाँ से ट्रेन? कभी नहीं, हम लोग तो हमेशा जब भी लिए NDLS से ही लिए हैं। NDLS के अलावा ये पहला स्टेशन है जिससे मैं कोई ट्रेन ले रहा हूँ दिल्ली में। तो ये स्टेशन है, मेरे को लगा कि कोई छोटा सा स्टेशन होगा, लेकिन ये भी यार बाहर से काफी बड़ा सा स्टेशन लग रहा है। देखो, हाँ, मैक्सिमम जो साउथ का ट्रेन सब है वो यहाँ से कर दिया है। और भाई गुड न्यूज भी है, हमें मिल चुका है कूप। चलो अंदर जाते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, देख लो अभी 1 बजा हुआ है, 3:30 बजे हमारा ट्रेन है, तो अभी बहुत टाइम है। और एक बात है, ये जो मैंने टिकट बुक किया है ना, अभी तक मेरे लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव टिकट बुक किया है। जितना ये टिकट का प्राइस लगा है ना, उतना में एक फोन आ जाएगा, स्मार्टफोन आज नहीं आ जाएगा, एक आराम से एक स्मार्टफोन आ जाएगा जितने में मैंने ये टिकट लिया। टोटल कितना खर्च हुआ क्या नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। हाँ जी, तो स्टेशन आने के बाद हम लोग आ गए थे इनके ये इस अपर क्लास वेटिंग हॉल में, और यहाँ पे लगभग 2 घंटे वेट किया होगा हम लोगों ने, पर घंटा पर पर्सन 10 रुपए करके। ठीक था, बैठ गए यहाँ पे और जगह भी खाली था इसलिए आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्क्रीन पे तो दिख रहा है हमारा जो ट्रेन है वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आया है, तो एक काम करते हैं, जाते हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म। अभी अपने प्लेटफॉर्म में तो आ गए हैं। किधर पड़ेगा इस बार? अपना राजधानी आ चुका है और हमारा H1 है। H1 स्टेशन में तो सबसे लास्ट होता है, लेकिन पता नहीं इंजन देखो कहाँ पे लगेगा। हमको लग रहा है ट्रेन हमारा इस साइड जाएगा क्या, कुछ कंफर्म नहीं है, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। अपना वही वाला सेकंड वाला। ये आने वाले 30 घंटे तक ये हमारा घर होने वाला है, देख लो मेरा घर। हाँ जी, तो वैसे अभी अपने कोच में आ गए हैं और ये अपना कूप है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, हमें कूप मिल गया है। ये सब मामले में थोड़ा थोड़ा लकी फील होता है कि कूप मिल जाता है। और आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हो कि मोहित भाई आप क्या करते हो जो आपको कूप मिलता है? कुछ नहीं करते हैं भाई, मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कोई कुछ करता भी होगा, क्योंकि ये सब कुछ रेलवे के ऊपर है, वो आपको कूप देता है या नहीं देता है। मेरा लक इस टाइम अच्छा था इसलिए मुझे कूप मिल गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे केबिन मिला और मुझे केबिन में ट्रेवल करके आना पड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ भाई मैं। ये अपना कूप है देख लो, और पिछले 30 घंटे हम लोग इसी में रहने वाले हैं, तो इसको अपना घर बोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो हाँ जी, आने वाले 30 घंटों के लिए ये अपना घर है, और ये अभी तक का मेरा कवर किया हुआ सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी भी है। एक राजधानी पे मैं बैठा था, लेकिन उसको मैंने लिया था मडगांव से, और वो था एर्नाकुलम तक का। लेकिन हाँ, अगर उसको मैं न्यू दिल्ली से पूरा त्रिवेंद्रम तक करता तब वो हो जाता मेरा सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी। वो मेरा करने का प्लान था लेकिन किया नहीं, क्योंकि रूट थोड़ा सिमिलर हो जा रहा था, और ये जो रूट है ना मेरे लिए एकदम डिफरेंट है, क्योंकि एकदम ही अलग रूट से जाने वाला हूँ मैं। और टिकट
जो कि सबसे मेन बात, इसके टिकट के लिए मैंने कितना पे किया। ये जो है ना अभी तक का मेरा बुक किया हुआ सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन टिकट है। मैंने 6000 का एक टिकट बुक किया है फर्स्ट एसी में, जो कि मैंने दुरंतो का किया था जब मैं लॉकडाउन से पहले ट्रेवल कर रहा था, तब शायद उसका 6000 रुपया समथिंग कुछ मैंने पे किया था। टिकट प्राइस बताने से पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कौन से ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ, मतलब ट्रेन नंबर क्या है। ये जो है 12434 हजरत निजामुद्दीन चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस, जिसके फर्स्ट एसी में मैंने अपना टिकट बुक किया है। और मैं बता दूं पर पर्सन 7150 रुपए करके लगा। तो यहाँ पे हुआ है हमारा दो टिकट, तो दो टिकट का टोटल हो गया 14300 रुपए। तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि अभी 14300 रुपए में या फिर लगभग 15000 रुपए में कौन सा अच्छा स्मार्टफोन आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो हाँ भाई, 14300 रुपए का ट्रेन टिकट भाई, तो अभी तक का ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव राजधानी का टिकट है और बोल सकता हूँ मैं कि सबसे लंबा ये मेरा राजधानी में जर्नी भी होने वाला है। वही लगभग 2200 किलोमीटर हम लोग कवर करने वाले हैं ये वाले राजधानी से। अभी इसका जो यहाँ से हजरत निजामुद्दीन से ये वाले राजधानी का जो डिपार्चर टाइम है वो 3:35 का है और चेन्नई हम लोग पहुंचेंगे लगभग रात के 9 बजे के आसपास। वो तो आप बने रहो वीडियो में, पता नहीं ये वीडियो कितने पार्ट का होने वाला है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि ये जब आप लोग वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद मैं पता नहीं कहाँ रहूंगा। तो मैं इंस्टा में लाइव अपडेट सब देते रहता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं, तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब एक काम करते हैं, अंदर का थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देते हैं कैसा है ये फर्स्ट एसी। वैसे तो सेम ही होता है, कुछ ऐसा खास दिखाने के लिए है नहीं। अभी जो नया नया राजधानी सब हुआ है ना, जिसके अंदर में वो वुडन का इंटीरियर किया हुआ है, वो मैं खोज रहा हूँ वो कब मुझे मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो है उसी को दिखाया था मैं। तो देख लो फर्स्ट एसी में वैसा ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता है। अगर मैं कूप की बात करूँ या फिर केबिन का, सेम ही होता है। कूप में आपको ऐसे बस दो सीट यहाँ मिलेगा और केबिन रहता है, तो ये दो सीट इधर दो सीट इधर, बट केबिन में आपको ये प्राइवेसी नहीं मिलेगा। अभी जो मैं इतना खुल के वीडियो बना रहा हूँ ये चीज नहीं हो पाएगा। बॉक्सर पहन के सोना नहीं होगा। हाँ ये बात है, सही बात है, ये तो बात है। बाकी तो ये अपना देख लो कुछ ऐसा है, बस देख लो ये दो सीट है और ये सीट में भैया रात में जो ठंड लगता है, ये मैंने देखा है राजधानी में, हमारे हावड़ा वाले राजधानी में वो चीज है। वो कपड़े का सीट रहता है, वो मतलब कपड़ा का नहीं, वो थोड़ा सा कैसे बताऊं मैं, कॉटन टाइप का वो अलग सा सीट होता है, वो सीट बेस्ट होता है। उसमें आप आराम से बस एक चादर डाल लो, ठंड नहीं लगता है। इसमें थोड़ा ठंड लगता है मैंने देखा है। और अंदर में देख लो ऐसा कुछ पिलो तो है ही एकदम मस्त। ये कपड़ा का होता है, ये कपड़ा, हाँ ये कपड़ा का सीट होता है। थोड़ा सा ब्लैंकेट देख लो कितने अच्छे तरीके से कवर चढ़ा कर दिया हुआ है, ये शायद अनाउंसमेंट के लिए पता नहीं क्या है ये। और यहाँ से तो लाइक ऊपर चढ़कर आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको यूज करने में कम्फर्टेबल नहीं हो तो आप यहाँ पे बेल बजाकर एक लेडर का भी डिमांड कर सकते हो, तो वो भी मिल जाता है आपको, भी दे देता है। हाँ दे देता है। बाकी यहाँ पे नीचे में देख लो अपना खाना वाना जो भी आएगा उसके लिए टेबल भी है, और यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है। और ये जो डस्टबिन है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बोला है, हर कोच में देना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट एसी में ही नहीं। सिर्फ डस्टबिन देने से होगा नहीं, उसको हर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आके चेक भी करना होगा। चेक तो करता ही होगा, हाथ में आके ऐसे लेके जाता है। वो चीज से बेटर डस्टबिन दे दो 1 घंटा अंतर अंतर। बाकी यहाँ पे बोतल होल्डर बना हुआ है और ये मस्त कर्टन, और सबसे मेन बात विंडो अपना क्लीन है। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, विंडो क्लीन नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ दाग गंदगी रहता ही है, लेकिन ये क्लीन है एकदम। तो चलो आज तो ज्यादा नजारा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अभी ऑलरेडी कितना हो गया 3:30 बज रहा है, तो 6 बजे तक जो देखना होगा देखोगे, फिर जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगा ना तब शायद पता नहीं हम लोग साउथ में एंटर कर गए होंगे ना। नहीं भोपाल, महाराष्ट्र में होंगे हम लोग, शायद महाराष्ट्र में ना, नागपुर में। तो सुबह तो हम लोग शायद महाराष्ट्र में होंगे, वहाँ काफी कमाल का नजारा दिखेगा, तो वो दिखा देंगे आपको। ये यहाँ पे रीडिंग लाइट है। और अभी एक सीन क्या है ना, देखो अभी यहाँ पे तो मुझे पता है ये सीट मेरा है, दोनों सीट ही मेरा है, तो यहाँ पे हम दोनों ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये कर देते हैं, ये सारा फोन वोन इधर, ये सारा ब्लैंकेट नीचे, हम लोग क्या करते हैं इसको ऊपर उठा देते हैं, बहुत सा जगह हो जाता है। देखो बस ये देख लो अभी कितना जगह हो गया, अभी बस एक सीट है, टॉवल है ना। हाँ टॉवल है। ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। हाँ एकदम लास्ट चेन्नई था। तो देख लो ये हो गया ना ऊपर, अभी देख लो कितना जगह हो गया हमारे पास। जगह तो वैसे भी था लेकिन अब थोड़ा खुला खुला लग रहा है। अभी आराम से ये सोफा जैसा भी हो गया है, आराम से हम लोग बैठ के गप्पे मारते हुए खाते पीते अखबार देखते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अपना। बाकी अपना लगेज इधर रख दिया है और लगेज का कोई टेंशन अपना नहीं है, बस यहाँ से देख लो लॉक कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर में कुंडी लगा ले सोनिया। बस कुंडी भी लगा लेंगे रात में ताकि आराम से बेफिकर सो पाए, और ये चीज आपको सेकंड एसी थर्ड एसी में नहीं मिलता। तो सारे पैसे इसी के हैं, मतलब स्पेशली इसके और इसके हैं। और बाकी तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि अभी वैसे फर्स्ट एसी में क्या क्या देते हैं आपको। सबसे पहले तो एक टाल मिल जाता है और दो ऐसे, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। अभी से खातिरदारी स्टार्ट अपना, पानी मिल चुका है, अभी देखते जाओ क्या क्या मिलेगा। ट्रेन अभी चलना भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग स्टेशन में ही हैं। ये देखो नया रूट है हम लोग का, खाना भी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। ये देख लो 3:35 हो गया है, छोड़ दिया। जय माता दी, जय माता दी। चलो ये स्टेशन से निकल गया अपना ट्रेन भाई, एकदम लास्ट वाला है अपना।
ठीक आराम से जाएंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म दूर दूर आएगा, प्लेटफॉर्म दूर दूर आएगा, कुछ प्लेटफॉर्म से खाने का मन करेगा तो नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज देख लो, जस्ट सामने में एक बड़ा सा मिरर भी है, सोते उठते देखो अपने आपको। बाकी देख लो, हजरत निजामुद्दीन से निकल गया अपना ट्रेन, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्टॉप क्या क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या क्या स्टॉप है। तो वैसे देख लो, इसका जो हजरत निजामुद्दीन से निकलने का टाइम है 3:35 का है, लगभग 5:30 बजे के आसपास आएगा आगरा कैंट, और फिर 7 बजे आएगा ग्वालियर जंक्शन, फिर 8:10 में आएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, रात के 11:30 बजे आएगा भोपाल जंक्शन, फिर सुबह 5 बजे आएगा नागपुर जंक्शन, वापरे रात के 11:30 बजे के बाद डायरेक्ट 5 बजे, फिर सुबह 8 बजे आएगा बल्हारसा जंक्शन, फिर 11:14 में आएगा वारंगला, फिर 2:20 में आएगा विजयवाड़ा जंक्शन, और विजयवाड़ा के बाद ये डायरेक्टली रुकेगा MGR चेन्नई सेंट्रल में, वो भी रात के 8:55, मतलब वही समझ लो 9 बजे। तो हाँ भाई, काफी लंबा जर्नी है, देख लो टोटल 2175 किलोमीटर का ये जर्नी होने वाला है। बाकी बस वैसे तो हम लोग जब आए तो यहाँ पे अखबार दिया हुआ था, पानी देकर चले गए। अभी देखते हैं इसके बाद क्या क्या आता है, अभी तो जस्ट निकला है ट्रेन हमारा। टाइम भी बता देना, टाइम भी बता देना, कौन सा टाइम में क्या क्या खाना दे रहा है नहीं दे रहा। चलो अभी एक काम करता हूँ, आप लोगों को वॉशरूम दिखा देता हूँ इनका। ये अपना गैलरी, तो शावर एरिया है। तो देख लो, अभी मैं आ गया हूँ राजधानी के फर्स्ट एसी के वॉशरूम में। वॉशरूम मैं बोलूंगा ठीक है, थोड़ा पुराना पुराना टाइप का कोच है ना, इसलिए वॉशरूम भी थोड़ा पुराना लग रहा होगा, लिक्विड वगैरह सब कुछ है। चलो ये सब तो है, होना भी चाहिए भाई, अगर फर्स्ट एसी में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। बाकी इसके नीचे मिल जाता है डस्टबिन और ये एक बड़ा सा मिरर। टाइम कितना हो रहा है, 4:38, और ये आ चुका है अपना स्नैक्स। मेरे को बहुत जोर का भूख लगा था, एकदम सही टाइम में ये आया है। वैसे ट्रेन हमारा हजरत निजामुद्दीन से 3:35 में निकला था और अभी हो रहा है लगभग 4:50 के आसपास, तो वही समझ लो एक घंटे में हम लोग 3-3 स्टेट कवर कर चुके हैं। हाईवे देख रहा हूँ वही सामने, और ये सामने ही हाईवे भी जा रहा है, मथुरा हाईवे है ये। यहाँ से मथुरा बस 45 किलोमीटर दूर है। तो देख लो ये अपना आया स्नैक्स, और इसमें है क्या मैं बता दूं, ये वही है जो हम लोग को कल भी मिला था। यहाँ पे देख लो आलमंड्स मिला हुआ है, झालमुड़ी है, ये मस्त था, कल हम लोग खाए थे ये वाला। मैंने ये दो दो पैकेट लिया था, कल नहीं परसों, मैं बार बार कल बोल रहा हूँ, कल तो अपना मीटिंग था, परसों जो मैं तेजस राजधानी से आया था ना भाई, ये वाला मैंने दो दो बार लिया था, मस्त है, खट्टा मीठा टाइप का होता है ये झालमुड़ी। ये क्या है, सोन पापड़ी है, इसका पैकिंग अच्छा किया है सर, हल्दीराम का है। और इसके अलावा एक सैंडविच है, जैसा कि अभी देना स्टार्ट किए सैंडविच, लेकिन एक बात है एकदम फ्रेश होता है ये, और साथ में कचौड़ी भी है, एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी। वैसे तो ये मिल्क वाला लिक्विड जो है ना एक पैकेट देते हैं, बट हम लोगों ने एक्स्ट्रा करके मांग लिया थोड़ा, मैं बोला भैया दे दो, एक से होगा नहीं अपना काम। तो हाँ देख लो, फिलहाल यही होने वाला है हमारा स्नैक्स, जिसमें से कुछ आइटम पैक होगा, कुछ आइटम अभी थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि भूख तो थोड़ा सा लगा है मेरे को इसलिए। तो वही सब है, अभी देखते हैं क्या क्या इसमें से खा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई चाय बना लिया है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो एक चीज है, फ्रेश लिखा हुआ है, ये वाकई में फ्रेश होता है, ये अभी तक हम लोगों ने जितना बार भी खाया है अच्छा मिला है ये। तो देख लो कुछ ऐसा सैंडविच है ये, और अंदर में अगर मैं बात करूँ तो ये देख लो वही मेयोनीज वगैरह है, चीज है, गाजर को एकदम छोटा छोटा कट करके डाला हुआ है, बढ़िया ब्रेड, ये उतना भी फ्रेश नहीं लग रहा है, लेकिन तेजस राजधानी में जो हम लोग को मिला था ना बहुत ही फ्रेश ब्रेड था वो, ये उतना फ्रेश नहीं है, मतलब लग रहा है कि सुबह से रखा हुआ होगा इसको। हल्दीराम का सोन पापड़ी है, मस्त लग रहा है। तो बस यही सब है, और रहा बात ये कचौड़ी का, पापा इधर ट्राई करेंगे तो उनसे बता देंगे कैसा है कैसा नहीं है, बाकी तो खैर देख लो यही सब है। ठीक है, मैं बोलूंगा इससे ज्यादा स्नैक्स में और देंगे भी क्या, वो तो जितना दिए हैं वो काफी है। कचौड़ी तो गर्म था पूरा, हाँ जब आया था तब गर्म था, सूट के चक्कर में थोड़ा ठंडा हो गया होगा। कचौड़ी है ना, पहले तोड़ के दिखा दो ना एक बार, कचौड़ी है कि क्या है, बहुत सख्त है, गरम है अभी, थोड़ा थोड़ा गरम लग रहा है, अभी भी है गरम, बहुत पक्का दाल कचौड़ी है। और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 4:55 हो रहा है, ट्रेन भी हमारा मस्त चले जा रहा है। तो पहला स्टॉप इसका आगरा है, जो कि थोड़ी देर बाद अब आने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल चलो तो इसको एंजॉय करते हैं। तो देख लो हमारा स्नैक्स वगैरह सारा कंप्लीट हो गया, वो लेकर भी चले गए, अभी टाइम हो रहा है 5:15 और हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, बट यहाँ कोई स्टॉप नहीं है अपना, अपना जो पहला स्टॉप है ना वो आगरा है, और ट्रेन हमारा 14 मिनट डिले हो गया है। कोई नहीं, होप कि रात में सब मेकअप कर दे, मेन अपने डेस्टिनेशन पर मैं टाइम पे पहुंचूं, बस वो बात।
अभी टाइम हो रहा है 5:51, लगभग 20 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं आगरा। भाई देखो ये हमारा कोच है और इसके पीछे एक बस गार्ड वाला डब्बा खत्म, इतना लास्ट। यहाँ पे ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट का हॉल्ट है। तो आगरा तो कभी अपना आना हुआ नहीं है, प्लान करूंगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली साइड आऊँ तो आगरा को एक बार कवर कर लूँ। ज्यादा तो है नहीं, देखो 1.5-2 घंटे में तो हम लोग यहाँ आगरा भी पहुंच गए। और हमारा प्लान है जब भी आगरा आएंगे ना तो बाइक से आएंगे, तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा अभी इसको होल्ड में रख दिए हैं कि आराम से इसको कवर करेंगे। देखो ट्रेन से तो हमेशा आते ही रहते हैं हम लोग, बट बाइक से कवर करेंगे, स्पेशली वो जो हाईवे है ना, बहुत फेमस क्या हाईवे है वो, आगरा एक्सप्रेसवे, तो वो हम लोगों को कवर करना है। तो इसलिए हम लोग का प्लान है बाइक रेंट पे लेके आने का। तो जितने भी लोग आगरा से देख रहे हो आप सभी लोगों को हाय हेलो। और यहाँ से निकलते इसका जो पहला स्टॉप आएगा ग्वालियर, मतलब अभी हम लोग एमपी में एंटर हो जाएंगे। इस पूरे जर्नी में हम लोग कितना स्टेट चेंज करेंगे, राजस्थान आएगा, उसके बाद आएगा एमपी। और ये देखो हमारा ट्रेन निकल भी गया आगरा से, बाय बाय आगरा। अगर इसके बीच में कुछ खाने पीने का देते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो बस वही स्नैक्स दिए हैं। अभी टाइम भी कितना हो रहा है, अभी वैसे 6 बजने वाला है, तो देखते हैं इसके बाद क्या देते हैं क्या नहीं, जो होगा आपको तो बताएंगे। आ भी गए। एक्चुअली हम लोग का ये वाला बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, मतलब चार्जिंग प्लग वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वही अभी चेक करने के लिए आए थे क्यों काम नहीं कर रहा है। वैसे देख लो ये जो चार्जिंग पॉइंट खराब हो गया था ये अभी तो फिलहाल ठीक हो गया है, फोन भी चार्ज लगा लिया है मैंने। वैसे देख लो अभी हम लोग मध्य प्रदेश भी एंटर कर गए हैं, अभी टाइम हो रहा है वैसे 7:11। तो फिलहाल देख लो अभी ये आ गया अपना सूप। अब तो शायद कोविड के बाद मैंने ट्रेवल कर रहा हूँ ना, कोविड के बाद से, हम कोविड के पहले जो राजधानी में ट्रेवल करते थे तब सूप बनाकर वो लोग देते थे। पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को याद है या नहीं याद है, अगर जो पहले ट्रैवल किया उनको याद होगा, राजधानी में मतलब सूप बनाकर वो देते थे, टोमेटो सूप रहता था, बहुत टेस्टी सूप बनाते थे वो, आप देख लेना मेरा पुराना वीडियो सब। तो यहाँ पे देख लो सूप आ गया है अपना, सूप में वही आप जो 7,000 रुपया पे करके जा रहा है, थोड़ा सा खाना को थोड़ा सा, पेंट्री कार्ड तो है, ऐसा नहीं है बंद है पेंट्री कार्ड, चल रहा है। तो मेरे को लगता है तुम्हारा फर्स्ट एसी का पैसेंजर है 6-10 होगा, 10 लोगों के लिए बनाने में कितना नहीं होगा, हम ही लोग होते तो हम ही लोग बनवा देते हैं जाके। सूप में देख लो वही नॉर का सूप है, इसको क्या ही मैं रिव्यू करूंगा। और साथ ही ये ब्रेड स्टिक भी है, बटर भी है नोबा का, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी होगा। हाँ जी देख लो, तो ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, साथ में ये हॉट वाटर भी दे दिए हैं। चलो अपना सूप वगैरह पीते हैं। और अभी बाहर तो डार्क है, कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ बाहर में। और अभी आने वाला है ग्वालियर, ग्वालियर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। आई गया ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर होगा। तो अभी हम लोग का सूप पीते पीते आ गया ग्वालियर स्टेशन, इसलिए जल्दी से भाग कर आए आप लोगों को स्टेशन दिखाने के लिए। तो देख लो ये ग्वालियर स्टेशन, अभी वैसे टाइम देख लो 7:20 हो रहा है फिलहाल, ये ग्वालियर में बस 2 मिनट का हॉल्ट है। चलो भाई ग्वालियर से अपना ट्रेन निकल चुका है, देख लो सूप छोड़कर भागे थे हम लोग, देख लो यही अपना अभी सूप पी रहे हैं हम लोग, वही पैकेट वाला सूप जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी हम लोग जस्ट ग्वालियर से निकले हैं, ट्रेन हमारा पहले स्टेशन में 17 मिनट लेट पहुंचा था और दूसरे स्टेशन में 24 मिनट लेट पहुंचा है। और इसके बाद इसका जो तीसरा स्टॉप है जो कि रात के लगभग 8:30 बजे आएगा, वो होगा वीरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। तो वो सूप पीने के बाद तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो अभी वैसे टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 8:11। यहाँ देख लो ये आ चुका है अपना डिनर, जैसे हम लोग डिनर करने जा रहे थे तभी पता चला कि आने वाला है वीरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, बस 4 किलोमीटर बाद आने वाला है अपना स्टेशन। बट यार ये खाना देखकर ना मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये सेकंड एसी का खाना दे दिया है क्या इन लोगों ने, बस ये जो कटोरा है इसको हटा दो तो मेरे को लग रहा है बिल्कुल ये सेकंड एसी वाला खाना लग रहा है पहले। और बाय द वे ये प्लेट देखकर आप ये मत सोचो कि भाई चलो प्लेट तो दिया ही हुआ है, स्पून है कटोरा है तो आप इसमें भी खा सकते हो। वो प्लेट अभी मैं जाकर बोला कि भैया एक प्लेट दे दो हम लोग उसमें खाना है, तब उन्होंने हमें दिया, नहीं तो पहले क्या होता था ना एक प्लेट में राइस रहता था, रोटी चपाती मतलब पैक रहता था एक चीज में, काफी अच्छे तरीके से एक तरह का सब्जी रहता था, सैलेड रहता था, मतलब आप देख लो ना, आप मेरा पुराना राजधानी का वीडियो उठाकर देख लो ना। बाय द वे अभी मैंने खाना टेस्ट नहीं किया है, खाना टेस्ट करके मैं आपको खाने का टेस्ट के बारे में बताऊंगा वो कैसा है, वो ज्यादा मैटर करता है। पैकिंग ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, खाना का टेस्ट अच्छा है कि नहीं वो सबसे मेन बात है। तुम्हारे साथ ट्रेवल क्यों इतना मालूम है, फर्स्ट एसी का खाना पेंट्री कार में बनता है, ये तो देख के मुझे नहीं लगता है फर्स्ट एसी वाला खाना है। वैसे यहाँ पे देख लो मैं तो पूछना भी भूल गया कि वेज कौन सा है नॉन वेज कौन सा है, सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है चिकन से और दाल भी अच्छा लग रहा है, देखो एक बार दाल को पूरा लग रहा है एकदम तड़का मार कर दिया है एकदम, देखकर तो खाना नो डाउट बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन यार देखो मैं मेरा कहने का मतलब है मैं फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा वो क्लास होना चाहिए ना, खाना देने का प्रेजेंटेशन का तरीका देने का तरीका थोड़ा तो स्पेशल फील करवाओ लोगों को कि हाँ भाई आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो। वैसे भी 7,500 रुपया टिकट है, 3 रुपया पर किलोमीटर का रेट है, ज्यादा से ज्यादा ही होगा 3 रुपया के ऊपर ही। यहाँ पे देख लो यहाँ पे जीरा राइस है, अच्छा हाँ ये एक एक्स्ट्रा सब्जी है, ये ऐसे सेकंड एसी में ये नहीं मिलता है, लेकिन
ये एक एक्स्ट्रा सब्जी है, लेकिन यही चीज पहले क्या होता था ना, देखो सब कुछ वही है, जो चीज अभी आपको दिख रहा है वही है, एक सैलेड का कमी है। एक चीज है फर्स्ट एसे में कि अगर आपको कुछ मांगना है तो आपको जाके बुलाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बेल है, बेल का साउंड आया ना, तो बेल मार दो बस हो गया, वो आ जाएंगे। पनीर देखकर कैसा लग रहा है? पनीर तो अच्छा लग रहा है, वो बटर मखानी बटर पनीर जैसा, बटर पनीर जैसा लग रहा है। बाकी मुझे इनका चिकन भी देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है यार, चिकन अच्छा है भी, देखकर लग रहा है क्या चिकन अच्छा है भी। बाकी तो ये वेज वाले में एक सब्जी मिसिंग है, हम लोगों ने बेल बजा दिया है, अब देखो मिल जाएगा। और एक बात है, पहले रोटी पता है कैसे देते थे? पहले रोटी देते थे हॉटपॉट में, इसमें भी तो देखे थे हम लोग, हॉटपॉट में दिया था। हाँ इसमें भी दिया, तेजस में भी दिया था। तो अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:28, और अभी मैं जस्ट अपना डिनर लेकर बैठा ही था, तभी मैं देख रहा हूँ हमारा जो ट्रेन है ये वीरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पहुंच चुका है, और अभी जस्ट खाना लेके बैठा था मैं अपना। यहाँ पे देखो अपना खाना हम लोग लेकर बैठे ही थे। अब ये मत बोलना कि क्या मोहित भाई इतना क्यों कंप्लेन कर रहे हो, जो है खा लो ना भाई, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो सर्विस मुझे इससे पहले मिल चुका है, जो मैं देख चुका हूँ कि हाँ फर्स्ट एसी ऐसा होता है, तो मैं चाहूंगा वो चीज उससे अपग्रेड हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरा नखड़ा ज्यादा है ये ज्यादा, भाई कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी दे दो हम लोग खा लेंगे, हम लोग नॉर्मल भी खाना खा लेंगे, लेकिन जो मैं देख चुका हूँ उससे तो मैं चाहूंगा ना कि और अच्छा हो। ये तो हम लोग तेजस मुंबई दिल्ली तेजस में हम लोग जो खाना खाए पूरा एकदम फर्स्ट एसी वाला खाना, इतना अच्छा खाना था। तो चलो अभी मैं ट्राई करता हूँ इनका खाना। इनका दाल मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ठीक है दाल वो एकदम तड़का मारा हुआ दाल है बढ़िया, और ये चिकन है जैसा कि मैंने बताया, ये चिकन का ग्रेवी भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, महक तो बहुत अच्छा आ रहा है, जो घर में बनता है ना देसी चिकन वैसा महक आ रहा है। एग्जैक्टली मेरे बड़े मामा घर में जब चिकन विकन बनाते थे ना, बिल्कुल ऐसा ही सुगंध आता था घर में, और उस टाइम तो लाइक कभी कभी बनता था हमारे घर में, मामा के घर में हम लोग रहते थे, तो इस टाइप का गंध आता ही समझ में आ जाता था हाँ ये नॉनवेज बन रहा है बढ़िया। बाकी राइस के साथ देखते हैं कैसा है, नॉट बैड यार, बहुत बढ़िया लग रहा है खाना, बहुत अच्छा। जीरा राइस है, जीरा राइस के साथ ये चिकन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। बाकी ये जो मिक्स वेज है ये तो पराठा के साथ ही अच्छा लगेगा, ये जो मिक्स वेज है ये खाकर उतना मजा नहीं आया। बाकी देखते हैं पराठा कैसा है। पहले ना गर्मा गर्म रोटी देते थे, रोटी बनाकर एकदम गर्मा गर्म, आप बोलोगे कि चार रोटी दो रोटी, वो उस हिसाब से आपको बनाकर लाकर देंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए आइए, बाकी पराठा और ये चिकन का ग्रेवी बहुत मस्त लग रहा है, खाना बहुत अच्छा है, बस यही चीज अगर प्लेट में अच्छे से सजा कर देते हैं और भी चार चांद लग जाता है। अभी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना राजधानी के फर्स्ट क्लास में, तो ये फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड का ही खाना है, ये तो छोड़ी दो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो चिकन है राइस और ये पराठा, ये तीनों सबसे बढ़िया लगा मुझे। स्मेल वगैरह बढ़िया, एकदम घर में खाने वाला चिकन। मेरे घर में मतलब जो मेरे मामा जी है ऐसे ही बनाते थे चिकन। प्लेट का हाल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा खाना कितना टेस्टी है। वैसे इसमें दही तो आया ही था लेकिन ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। आइसक्रीम भी आ चुका है, वैसे ये बटर स्कॉच आइसक्रीम मिल चुका है हमें। चलो अभी अपना ये अमूल का आइसक्रीम इंजॉय करते हैं, बाकी तो अभी अगला स्टेशन बहुत दूर है। चलो जी, डिनर वगैरह करने के बाद फ्रेश होकर आ गए सोने के लिए। मेरे को लग रहा है ना कि ये वीडियो अभी तक तो काफी लंबा हो चुका है, ये वाले वीडियो को मैं यही पे एंड कर देता हूँ, जो कल वाला जो भी होगा। अभी तो थोड़ी देर बाद हम लोग महाराष्ट्र एंटर हो जाएंगे, फिर उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वो सब चीज आप लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेना। तो ये वीडियो को मैं एक काम करता हूँ यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ये देख लो यहाँ पे अपना बिस्तर लग चुका है सोने के लिए, ये ऊपर भी, और मस्त हम लोग अपना ड्रेस पे आ चुका है अभी। कल इस टाइम में हम लोग पहुँचने वाले रहेंगे, अभी हम लोग होटल खोज रहे होंगे, अगर पहुँच गए होंगे तो कल जाए कच्चा अच्छा सा धोना पड़ेगा, बास मार रहा है पूरा मतलब परफ्यूम पे हम लोग जिंदा है। सही बात है, यहाँ पे देख लो मैं अपना सॉक्स को धोकर लाया उसको सुखा रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।